नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। रिलायंस लगातार नए आयाम हासिल करती जा रही है, चाहे फिर वो जियो का सबसे बेहतरीन टेलीकॉम कंपनियों की लिस्ट में दूसरे नंबर का स्थान हासिल करना हो या फिर हेल्थ केयर की फील्ड में नई इनोवेशन करना। और अब जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़े अधिग्रहण का ऐलान किया है। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल आर्म जियो प्लेटफॉर्म्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी मिमोसा नेटवर्क्स को खरीदेगी। ये डील $60 बिलियन यानी कि करीब 491 करोड़ रुपए में साइन की गई है। इस डील के लिए नैस्डैक लिस्टेड एयरस्पैन नेटवर्क्स होल्डिंग्स और जियो प्लेटफॉर्म्स की सब्सिडियरी कंपनी रेडिसिस कॉर्पोरेशन के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। रेडिसिस ने ये एग्रीमेंट डेट फ्री कैश फ्री बेसिस पर साइन किया है। इस डील के साल 2023 में ही पूरे होने की उम्मीद है। बता दें कि ये डील ऐसे समय में हुई है जब पूरी दुनिया चीनी टेक्नोलॉजी से दूर जाना चाहती है और भारत को टेक्नोलॉजी और बाकी सभी क्षेत्रों के मामले में एक बड़ा बाजार होने के तौर पर देख रही है। हाल ही में बिल गेट्स ने भी भारत के 5G की तारीफ की थी। बता दें कि एयरस्पैन ने 2018 में मिमोसा का अधिग्रहण किया था ताकि कॉस्ट इफेक्टिव फिक्स वायरलेस एक्सेस नेटवर्क कनेक्शंस को टारगेट किया जा सके। रेडिसिस के अधिग्रहण के बाद भी मिमोसा के प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और 56 कर्मचारियों की सेल्स टीम मिमोसा के साथ जुड़ी रहेगी। बता दें मिमोसा पास वाईफाई 5 और नए वाईफाई 6E तकनीकों पर आधारित पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। इसके साथ ही ट्विस्ट ऑन एंटीना POE इंजेक्टर्स जैसे इससे जुड़ी एसेसरीज भी हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इन समाधानों में 5G और FTTX या FWA रोल आउट के लिए बैकहॉल जरूरतों में उपयोग होने वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। जियो मिमोसा का एक प्रमुख ग्राहक रहा है। जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओमन ने कहा है कि सालों से एयरस्पैन के साथ हमारे सहयोग के परिणाम स्वरूप हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग आर्किटेक्चर हुआ है। उन्होंने कहा मिमोसा अधिग्रहण टेलीकॉम नेटवर्क प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में जियो के इनोवेशन और लीडरशिप को और तेज करेगा। इससे कंज्यूमर्स और एंटरप्राइजेस को कॉस्ट इफेक्टिव रैपिडली डिप्लॉयबल फिक्स्ड और मोबाइल ब्रॉडबैंड मिलेगा। वहीं एयरस्पैन के चेयरमैन और CEO एरिक स्टॉनट्रॉम ने कहा है कि ये एयरस्पैन की बैलेंस शीट को और मजबूत करेगा, जिसे कंपनी 4G और 5G प्राइवेट और MNO नेटवर्क को आगे बढ़ाने में सक्षम होगी। ये हमारा पूरा फोकस रहा है। बता दें कि जियो ने अगस्त 2022 में अपने 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी कि FWA सॉल्यूशन को अनवील किया था। इसे जियो फाइबर भी कहा जाता है। इसके जरिए कंपनी 100 मिलियन घरों को टारगेट कर रही है। हालांकि ये सॉल्यूशंस अभी तक कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। दूसरी रैंकिंग वाली भारतीय एयरटेल की भी देश में ग्राहकों को 5G FWA सर्विस देने का पूरा प्लान है, यानी कि देश के टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से 5G कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। दोनों ही देसी कंपनियां एयरटेल और जियो लगातार लोगों को बेहतर और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने में जुटी हुई है और इस डील के बाद तो जियो के ऑपरेशंस में और तेजी आने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ लगातार और देखते रहिए जागरण बिजनेस।